नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। महाराष्ट्र बुलेटिन में स्वागत है आपका। खबरों की शुरुआत करेंगे आदित्य ठाकरे से, जिन्होंने पत्रकारों के साथ बातचीत की है। इस बीच उन्होंने गुजरात हिमाचल का जो रिजल्ट आया है उसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। कहा कि अब महाराष्ट्र में चुनाव कराओ, अब डरने की क्या जरूरत है। मुंबई सहित कई नगर पालिकाओं के चुनाव लंबित हैं और इसे एक बार लोकतांत्रिक तरीके से होने दिया जाए और जीतने वाले को बधाई भी दी जाए। आज हिमाचल प्रदेश चा लागलेला आहे। आज अनेक पाईपोल्सचे पण लागलेले आहे। महत्वाची गोष्ट हीच आहे की आता तरी महाराष्ट्राची निवडणूक लावा, आता घाबरायची काय गरज आहे। मुंबईची निवडणूक बाकी आहे। मुंबई महानगरपालिका असेल, पुणे असेल, ठाणे, नवी मुंबई, अनेक अशा महानगरपालिका आहेत। आणि तसंच महाराष्ट्राच्या इथं लोकशाही पद्धतीने निवडणुका होऊन जाऊ देत, पण जे जे जिंकले दोन्ही निवडणुकांमध्ये आणि सगळ्या बायपोल्समध्ये मी त्यांचं सर्वांचं अभिनंदन करतो, मनापासून अभिनंदन। हिमाचल प्रदेश मात्र हरलेला आहे भाजप आणि तिथं काँग्रेस निवडून आलेले आहे, काय वाटतं? नाही, हेच आहे ना, आता लोकशाहीमध्ये एका राज्यात एक पक्ष आला, दुसऱ्या राज्यात दुसरा पक्ष आलेला आहे। पण महत्वाची गोष्ट हीच आहे, जसं मी सांगितलं, मी सर्वांचं अभिनंदन करतो, जे जे उमेदवार जिंकून आले त्यांचं देखील मनापासून अभिनंदन करतो। पण आता वेळ आली आहे महाराष्ट्राची तर निवडणूक घ्या, कारण महाराष्ट्रात एक घटनाबाह्य सरकार बसलेलं आहे। महाराष्ट्रात 40 लोकांच्या जे निवडणूक व्हायला पाहिजे होत्या, 12 खासदारांच्या निवडणुका व्हायला पाहिजे होत्या। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। श्रद्धा वालकर के परिवार के लोग राज्य के गृहमंत्री और राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सरकारी बंगले पर उनसे मिलने के लिए पहुंचे हैं। बताया गया है कि उनके साथ बीजेपी नेता किरीट सोमैया भी साथ दिखाई दिए। और आपको बता दें कि इस वक्त आफताब तिहाड़ जेल में बंद है। इसी कड़ी में आपको ये भी बता दें कि श्रद्धा वालकर के पिता विकास वालकर पहली बार मीडिया के सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि अभी जांच सही चल रही है, लेकिन बसई तुलेज पुलिस पहले इस मामले को गंभीरता से लेती तो शायद मेरी बेटी की जान बच सकती थी। विकास ने ये भी कहा कि मैं नहीं चाहता कि जैसा मेरी बेटी के साथ हुआ है वैसा किसी और के साथ हो। मैं अपनी बेटी के लिए न्याय चाहता हूँ, इसलिए उसके हत्यारे आफ्ताब को फांसी मिलनी चाहिए। मैंने अपनी बेटी से बात करने की कोशिश की, लेकिन पिछले 2 सालों में उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मुझे कभी नहीं बताया गया कि मेरी बेटी कहाँ है, उसके साथ क्या हो रहा है। आफ्ताब पूनावाला ने मेरी बेटी का जिस तरह से मर्डर किया है, उस वजह से उसको जैसे मेरे बेटी का कत्ल हुआ है वैसे ही उसको भी शिक्षा होने की मैं अपेक्षा करता हूँ। मैं दिल्ली गवर्नर श्री माननीय बैजल जी व साउथ दिल्ली डीसीपी, इन्होंने मुझे दिल्ली में मिलकर आश्वासन दिया है कि हम आपको न्याय दिलाएंगे। वैसे ही अभी आने से पहले मैं श्री और सोलापुर में कांग्रेसी विधायक प्रणीति शिंदे ने अपने जन्मदिन को खास तरीके से मनाया है और जन्मदिन को मनाने का कांग्रेसियों ने अनूठा तरीका भी अपनाया। सोलापुर जिले में जिस लड़की का नाम प्रणीति होगा उसे आज के दिन मुफ्त 1 लीटर पेट्रोल दिया जा रहा है। इस कार्यक्रम का आयोजन कांग्रेस युवक अध्यक्ष ने किया है और अभी तक आपको बता दें कि प्रणीति नाम की 80 लड़कियों ने इस कार्यक्रम का लाभ उठाया है। सोलापूर शहर उत्तर विधानसभा युवक काँग्रेसचा अध्यक्ष आज या ठिकाणी महाराष्ट्र प्रदेश युवक काँग्रेसच्या कार्याध्यक्षा व सोलापूर शहरमध्ये ज्या लोकप्रिय आमदार प्रणिता शिंदे यांच्या वाढदिवसानिमित्त आज ज्या महिला मुलींची नावे करण्यात आहे अशा व्यक्तींना आज या ठिकाणी मोफत पेट्रोल वाटप करण्यात आलं। हा उपक्रम या ठिकाणी आगळा वेगळा उपक्रम या ठिकाणी। नमस्कार, आज प्रणितीताईंचा वाढदिवस आपण साजरा करत आहे सोलापूर जिल्ह्यामध्ये, सोलापुरामध्ये। तर अशाच माध्यमातून महेश लोंढे साहेबांनी आज प्रणितीताईंच्या वाढदिवसानिमित्त प्रणिती नावाच्या मुलींना, बहिणींना पेट्रोल देण्याचं जे उपक्रम राबवलं त्याबद्दल आम्ही त्यांचं खूप खूप आभार व्यक्त करत आहोत। शिवाय प्रणितीताईंचं काम तर सर्व सोलापुरालाच माहिती आहे, कुठल्या ना कुठल्या गोरगरिबांपासून सगळ्यांचं ते कुठं मदत होईल आणि त्या माणसाचं कुठलं काम करता येईल ह्याच प्रयत्नात असतात ते। मुलींसाठी त्यांनी जे हे उपक्रम राबवले आणि आजकाल तर मॅडमचं नेहमीच असतंय मुलींना पाठिंबा देणं, मुलींना बेटी बचाओ बेटी पढाओ
साथ देत असतात सगळ्या महिलांना. पुन्हा एकदा लोंढे साहेबांनी आम्हाला इथं पेट्रोल दिलं त्यांचा पण आभार आणि प्रणिती त्यांना खूप खूप शुभेच्छा. धन्यवाद सर. नवी मुंबई के तलौजा पुलिस थाने को एक इमारत के बाहर 5 साल की बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न करने के आरोप में 19 साल के एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. बता दें कि इस आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो मामला दर्ज किया गया है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया और आज उसे कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक अमोल मिटकरी ने आरोप लगा दिया है कि राज्य सरकार किसानों की समस्याओं को लेकर गंभीर नहीं है. अमोल मिटकरी ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को अभी भी मालूम नहीं है कि वो मुख्यमंत्री हैं. अभी भी देवेंद्र फडणवीस ही राज्य के असली मुख्यमंत्री हैं. वो जब भी मुख्यमंत्री बनते हैं किसानों की समस्याओं को दरकिनार कर देते हैं. और अब रुक करेंगे बुलढाणा का, जहां से एक अजीबोगरीब खबर सामने आई है. यहां आपको बता दें कि पत्नी पीड़ित करीब 119 पुरुषों ने अपनी ही पत्नियों के खिलाफ पुलिस थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई है. पारिवारिक लड़ाई के बाद पुलिस थाने में ये शिकायत दर्ज करवाई गई और इस शिकायत दर्ज करवाने से पहले इस मामले को सुलझाने के लिए पुलिस विभाग के द्वारा भरोसा सेल की शुरुआत की गई है. इस साल 1 जनवरी से 30 नवंबर तक 119 पुरुषों ने पत्नी उत्पीड़न की शिकायतें दर्ज कराई हैं. हालांकि इसी समय में 737 महिलाओं ने भी पुरुष उत्पीड़न के खिलाफ मामला दर्ज कराया है. महिलांच्या मिळून जानेवारी ते नोव्हेंबर या कालावधीत 856 तक्रारी प्राप्त भरोसा सेलकडे. त्यापैकी 856 पैकी 119 पुरुषांच्या तक्रारी आहेत. यापैकी समझोता झालेला आहे 175 प्रकरणांमध्ये. नंतर कौटुंबिक हिंसाचाराच्या 50 दाखल आहेत केसेस आणि कोर्टात जाण्यासाठी समज दिलेली आहे 127 लोकांना. दफ्तरी फाईल 188 आहेत आणि पोस्टेला गुन्हा दाखल करण्यासाठी पाठवलेली प्रकरणं 99 आहेत. असा एकूण निपटारा 639 अर्जांचा झालेला आहे. उर्वरित 217 अर्जांवर सध्या समुपदेशन सुरू आहे. महिला व मुलींना काही त्रास असेल तरी नगरवर्तकांनी भरोसा सेल इथे यावं. त्यांची काय तक्रार आहे त्याबाबत त्यांनी सांगावं. त्यांच्या तक्रारीचा नक्कीच योग्य ती कारवाई. राज्य परिवहन विभाग की बसों से यात्रा को सुलभ बनाने के लिए भंडारा एसटी मंडल ने नई योजनाओं की शुरुआत की है. इस योजना के अंतर्गत बसों और बस स्टॉप को स्वच्छ रखने के साथ प्रसाधन ग्रहों को साफ रखने की मुहिम भी शुरू कर दी गई है, जिससे लोगों को बेहतर लाभ और बेहतर सुविधा मिल सके. प्रवाशांना सुरक्षित प्रवासासोबतच प्रसन्न वातावरण देण्याच्या उद्देशाने एसटी महामंडळाने हा उपक्रम हाती घेतलेला आहे. बसस्थानकावर प्रवासी आल्यानंतर त्यांना प्रसन्न वाटावं, एक चांगल्या वातावरणामध्ये त्यांना तिथं थांबता यावं बस जर बस यायला वेळ असेल तर, आणि प्रवास करताना त्यांना समाधान वाटावं. त्यामुळे प्रवाशांचं समाधान होईल आणि समाधान झाल्यामुळे निश्चितच प्रवासी संख्येमध्ये सुद्धा भर पडून एसटीच्या उत्पन्नामध्ये वाढ होईल. या दृष्टीनं स्वच्छ बस, सुंदर बसस्थानक आणि टापटीप प्रसाधन गृहे अशा प्रकारची त्रिसूत्री एसटी महामंडळाने अवलंबली की आम्ही तर बसताना बस स्वच्छ करूच, पण आपण सुद्धा ती स्वच्छ ठेवण्यासाठी आपल्या बाजूने सुद्धा प्रयत्न केले पाहिजेत. कचरा पेटीतच कचरा टाका, बसमध्ये शक्यता काही खर्रा गुटक्यासारखे पदार्थ खाऊन थुंकू नका. ते जर थुंकायचं जर असलं, काही कचरा फेकायचा असेल तर तसं ड्रायव्हर कंडक्टरला सांगा, तुम्हाला ते बाजूला गाडी लावून देतील, जेणेकरून बस स्वच्छ राहील आणि इतर प्रवाशांना त्याचा कोणताही त्रास होणार नाही. कारण एकदा बस रस्त्याला लागल्यानंतर त्याला डेपो देईपर्यंत कालांत काही विलंब लागणार आहे, तेवढ्या वेळामध्ये ती बस इतर प्रवाशांना त्रासदायक ठरू नये. और अब बढ़ते अगली खबर की ओर. औरंगाबाद से खबर है जो मराठा क्रांति मोर्चा ने छत्रपति शिवाजी महाराज पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के खिलाफ सीढ़ी बजाओ आंदोलन की शुरुआत की है. इस आंदोलन के दौरान अब राज्यपाल की फोटो को फाड़कर कचरे के डब्बे में फेंका गया है. राज्यपालांना गेल्या अनेक दिवसापासून याच्या विरोधात आंदोलन चालू आहे. एवढा निर्लज्ज राज्यपाल कोणत्या राज्यात नसेल, एवढं
राजकारण या राज्यामध्ये चालू आहे. केंद्र सरकार या राज्यपालाला पाठीशी घालतंय. महाराष्ट्र सरकारमधला एकही मंत्री या राज्यपालाच्या विरोधात बोलायला तयार नाही. म्हणजे आम्हाला असं वाटतं की राज्यपालाला ठरवून या महाराष्ट्रामध्ये छत्रपती शिवराय असतील इतर महापुरुषांचा अपमान करण्यासाठी आणलं गेलंय का? कारण एवढा जर अपमान होत असताना देखील राज्य सरकारमधले मंत्री संत्री शांत बसतात याचा आम्ही सर्व पद निषेध करतो. महापुरुषाच्या नावावर हे राज्य सरकार व केंद्र सरकार मतदान घेते व आज त्यांचाच बद्दल अपशब्द वापरण्यात येते तरी मुख गुळून आहे. त्यासाठी N7 सिडको परिसरात सर्व शिवभक्तांच्या वतीने आम्ही आज यांना जागा करण्यासाठी शिट्टी बजाव आंदोलन केलं. तरी पण गेल्या 2 दिवसात जर राज्यपालावर काही झालं नाही तर इथून उग्र वातावरण तयार होईल व चंद्रकांत दादा पाटलाला बी आमचं म्हणणं आहे की आता आम्ही कुठेच थांबणार नाही म्हणून. रवींद्र तांगडे पाटील महापुरुषाच्या नावावर. मुंबई पुलिस कमिश्नर के आदेश से मुंबई के सभी पुलिस स्टेशन के सीनियर अधिकारियों को ये आदेश दिया गया है कि मुंबई में नशे का कारोबार और नशेखोरी पर लगाम लगाई जाए. इसी मुहिम के तहत नशाखोरों के लिए उन्हें रोकने के लिए पुलिस अब जगह जगह पर छापेमारी कर रही है. 5 दिसंबर को बांगोर नगर पुलिस को जानकारी मिली थी कि बांगोर नगर इलाके में कुछ लोग नशे के लिए खुलेआम इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट बेच रहे हैं. वहीं पुलिस ने जब पूछताछ की और जांच पड़ताल की तो उसके पास से महाराष्ट्र में प्रतिबंधित ई सिगरेट की 15 पैकेट्स मिली हैं. इसकी कीमत कुल 15,000 बताई गई और पुलिस ने इस आरोपी को इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है. इसके पास से सिगरेट के पैकेट भी जब्त कर लिए गए हैं और पुलिस अब आगे की जाँच कर रही है. अच्छा, ये 5 तारीख को हमारे ATC साहब के तारे है, उनको इन्फॉर्मेशन मिली थी कि हमारे यहाँ पे जो भारत सरकार ने प्रतिबंधित किया हुआ ई सिगरेट है वो एक जगह बेचने आया है, बेच रहा है. तो हमारे स्टाफ ने उसको इन्फॉर्मेशन पे ट्रैक किया और उसको पकड़ा तो उसके पास से 15 ई सिगरेट्स मिले, 15 जो प्रतिबंधित है और वो बैन है महाराष्ट्र सरकार के स्टेट्स में. तो उसको पकड़ के उसके पास से वो हमने रिकवर किया है और उसके खिलाफ ई सिगरेट और इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट एक्ट है उसका और कोपटा एक्ट के तहत उसको हमने उसके खिलाफ मामला दर्ज किया है और उसको अरेस्ट किया है. सर, किस तरह का उसका इस्तेमाल किया जाता है, किस तरह का इसने जानकारी दिया था? ये अभी नया जनरेशन अभी ये सब बहुत ये इसमें ई सिगरेट यूज कर रहा है. इसमें कैसा है वो एक पेंसिल के जैसा, बड़ा पेंसिल के जैसा वो सिगरेट्स होता है, उसमें चार्जिंग है और वो 2000 तक वो उसमें ये काउंट्स रहते हैं. 2000 किसी को कहाँ से भी वो पॉकेट में लेके कॉलेज के स्टूडेंट्स वो अभी बहुत सी ऐसा यूज़ कर रहे हैं, वो बैन है. कितने सिगरेट जब्त किए गए? 15 सिगरेट्स हमने जब्त किए हैं उसको अभी. और बीड जिले में 2 डॉक्टरों के बीच मामूली विवाद को लेकर जमकर मारपीट हो गई. ये पूरी मारपीट का जो मामला है CCTV में कैद हो गया है और विठल दास की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है और CCTV को खंगाल कर उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है. और औरंगाबाद में पूर्व मंत्री पंकजा मुंडे की विकास निधि से बने स्वास्थ्य केंद्र की दुर्दशा हो गई है. पिछली बीजेपी सरकार में मंत्री रहे पंकजा मुंडे की निधि से सिल्लौड तालुका में एक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण करवाया गया था. लाखों रुपए खर्च किए गए और उसके बाद इसे तैयार किया गया था, लेकिन अब इसकी जो हालत है वो दयनीय हो गई है. स्थानीय लोगों की माने तो स्वास्थ्य सुविधा न मिलने की वजह से उन्हें काफी परेशानी होती है, जिससे उनमें काफी आक्रोश है. राहणार गेवराई सेमी, तालुका सिल्लोड, जिल्हा औरंगाबाद. मी इथं पंकजादाई ज्यावेळेस ग्रामविकास मंत्री होत्या त्यावेळेस पंकजादाईनं 15 लाख रुपये हे घाटीसाठी दिले होते. आज घाटीचं बांधकाम पूर्ण, म्हणजे भरपूर कार्यकाळ झाला बांधकाम पूर्ण होऊन, पण इथं एकही आरोग्य सेवक किंवा एकही शासकीय कर्मचारी इथं नाही आहे. आणि बांधकाम कम्प्लीट होऊन समजा सरासरी 5 ते 6 वर्ष इथं कम्प्लीट झालं. आणि दुसरी समस्या इथं म्हणजे एक जुगार अड्डा बनून गेला. इथं कोणी पत्ते खेळतं, कोणी दारू वगैरे, इथं ही समस्या म्हणजे तुम्ही स्वतः बघशाल, तुम्ही बघितलं सुटकेलं असेल. आणि इथं एकही कर्मचारी नाही. बाकी दुरावस्था ही सर्वसाधारण माणसांचीच दुरावस्था होती. आरोग्य सेवा मिळते का तुम्हाला? आरोग्य सेवा ही महिन्याच्या महिन्याला येतात फक्त, आणि 1 महिन्याला आल्याच नंतर त्यांचं लसीकरण झालं ते चाललं जातं. 1, 2, 3, 4, 5, 6 तास समजा ते थांबतात.
मग इतर काही इमर्जन्सी असले तर? इतर इमर्जन्सी असले तर आपल्याला सिल्लोड जावं लागतं. सिल्लोड, हा, एक 17 ते 21 किलोमीटरचं टप्पा काढावा लागतो. हा, आणि दुसरं इथं काही टॅक्सी वगैरे काही नाही. एक सर्वसाधारण माणूस तरी. मुंबई पुलिस ने बृहस्पतिवार को बबई उच्च न्यायालय को बताया है कि उसने कथित आय से अधिक संपत्ति की शिकायत पर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उनके परिजनों के खिलाफ प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है. बताया यह भी जा रहा है कि उनके खिलाफ कथित तौर पर आय से ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है. और नई मुंबई के पनवेल तालुका में सरपंच पद के 10 पदों के चुनाव के लिए 24 उम्मीदवार मैदान में आए हैं. और वहीं अब आपको ये बता दें कि 45 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा था जिसमें से 21 उम्मीदवारों ने अपना नाम वापस ले लिया. अब 10 सरपंच पद चुनाव के लिए 24 उम्मीदवार सामने आए हैं. और इसी के साथ ही बता दें आपको कि ग्राम पंचायत सदस्य के लिए 75 लोगों ने नामांकन वापस लिया है और अब 179 उम्मीदवार मैदान में है. अब रुक करेंगे संगमनेर की ओर जहां से खबर है कि नासिक पुणे हाईवे पर एक भीषण दुर्घटना हो गई है. इस बीच दोनों चालक गंभीर रूप से घायल हो गए. एक टेम्पो और गन्ना ले जा रहे ट्रैक्टर के बीच आपस में ये भिड़ंत हो गई है जिसके कारण ये बड़ी दुर्घटना हुई है. और अब खबर है जुहू से जहां पर उच्च भू सोसाइटी में रहने वाले युवक का संपत्ति बंटवारे को लेकर अपनी ही मां से झगड़ा हो गया. गुस्से में आकर इस युवक ने बैट से अपनी मां पर वार कर दिया और मां की मौके पर ही मौत हो गई. इस मामले की जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. मामले की जांच जारी है. काल रात्री जुहू पोलीस स्टेशनला एक तक्रार मिळाली की एका सोसायटीमध्ये सीनियर सिटीजन वीना कपूर ह्या मिसिंग आहेत असे तेथील सिक्युरिटी गार्ड यांनी पोलिसांना कळवले. त्यावरून पोलिसांनी तेथे जाऊन त्यांचा दरवाजा उघडून बघितला असता त्यामध्ये असं लक्षात आलं की त्या घरामध्ये नाही आहेत. त्यावरून पोलिसांनी एक मिसिंगची तक्रार दाखल केली व त्यानंतर त्यामध्ये तपास केला असता त्यांच्यासोबत त्यांचा एक लहान मुलगा सचिन कपूर राहत होता आणि एक नोकर राहत होते. हे दोघेसुद्धा मिसिंग होते. त्यांचा तपास घेतला असता व त्यांना चौकशीसाठी ताब्यात घेतले असता मुलगा सचिन कपूर आहे त्यांनी असे कबूल केले की रागाच्या भरात भांडण झालं प्रॉपर्टीवरून. त्यावरून त्यांनी त्यांचा आईचा खून केला व जे प्रेत होतं ते त्यांनी माथेरान या ठिकाणी कुठेतरी टाकलेलं आहे. काल संध्याकाळी उशिरा पोलिसांनी त्यांना सोबत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने गुजरात चुनाव में 150 से अधिक सीट जीतने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को बधाई दी. G20 की अध्यक्षता मिलने के लिए सभी को धन्यवाद देते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई को अंतर्राष्ट्रीय दर्जे का शहर बनाने पर जोर दिया है. निकाल 150 पेक्षा जास्ती जागा या आमच्या मित्र पक्षाला मिळालेल्या आहेत. मी नागरिकांचं देखील मनापासून अभिनंदन करतो. आमचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी पण आणि त्यांच्याबरोबर टीम पण गुजरातमध्ये त्यांनी देखील प्रचारामध्ये सहभाग घेतला होता त्यांचंही मी मनापासून अभिनंदन करतो आणि सगळ्यांनाच खूप खूप शुभेच्छा देतो. याची पुनरावृत्ती महाराष्ट्रात घडेल मित्र पक्ष आहात काय वाटतं? महाराष्ट्रामध्ये आम्ही जे काही काम करतोय आज मुंबईचं सुशोभीकरण म्हणजे आज सरकारने निर्धार केलेला आहे की मुंबई स्वच्छ सुंदर मुंबईचा कायापालट झाला पाहिजे. मुंबई हे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचं शहर आहे. मुंबई आपली देशाची आर्थिक राजधानी आहे आणि त्यामुळे यात मुंबईमध्ये देशातले विदेशातले पर्यटक येतात नागरिक येतात आणि त्यांना ज्या काही सोयीसुविधा मिळायला पाहिजे होत्या त्या दुर्दैवाने आजपर्यंत नाहीत आणि म्हणून आम्ही सरकारने सरकार बदलले. सरकार सर्वसामान्य लोकांच्या हिताला न्याय देणारं सरकार आहे आणि म्हणून मुंबईचा देखील कायापालट झाला पाहिजे आणि आंतरराष्ट्रीय दर्जावर आंतरराष्ट्रीय दर्जाचं हे शहर. महाराष्ट्र में प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा है कि राहुल गांधी में देश का नेतृत्व करने की क्षमता नहीं है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गुजरात की जनता ने हमेशा अच्छा प्रतिसाद दिया है इसीलिए गुजरात में इतनी शानदार विजय मिली.
जहां तक कि राहुल गांधी की बात है तो उनमें देश का नेतृत्व करने की क्षमता नहीं है। खरतर छत्रपती शिवाजी महाराजांचा आदर्श प्रेरणा घेऊन आम्ही सर्व काम करणारे कार्यकर्ते आहोत। प्रसाद लाडला काय म्हणायचं होतं की कोकण ही कर्मभूमी आहे छत्रपती शिवरायाची। आता त्यांचा बोलण्यात थोडा त्या ठिकाणी थोडा बाजूला गेला। लोळाजींनी काय म्हटलं, लोळाजींनी म्हटलं की त्या घटनेचा संदर्भ घेऊन एकनाथ शिंदे एक मर्द मराठा बाहेर आला हुकुमशाहीच्या विरुद्ध, त्याच्यामुळे त्यांनी तुलना केली, नव्हती करायला पाहिजे, नव्हती करायला पाहिजे। तिसरं कोश्यारीजीच्या मागच्या 2 वर्षाच्या त्यांच्या 2.5 वर्षाच्या प्रवासामध्ये शिवनेरला पायी पायी गेल्यात, या वयात चुकलं बोलतानी। खरं तर या विषयाला धरून त्याचा अधिकार आहे, मोर्चा काळाचा आंदोलनकराचा छत्रपती शिवरायांचा बद्दल तर कुणी जे वक्तव्य केलं त्याला सोडूच नये, म्हणजे याबद्दल तर आम्ही नाहीच आहोत। पण प्रश्न असा आहे की खरं तर तुम्ही त्या विषयाला घेऊन मग तुम्ही मला सांगा, राहुल गांधीजी भारत जोडो यात्रेमध्ये महाराष्ट्रामध्ये 20 वेळा। और उद्धव गुट के सांसद संजय राउत को जान से मारने की धमकी दिए जाने की खबर पर प्रतिक्रिया देते हुए शिंदे गुट के विधायक संजय गायकवाड़ ने कहा है कि संजय राउत प्रसिद्धि के लिए फांके मार रहे हैं। बहु गुजरात निवडणुकीचा परिणाम महाराष्ट्रामध्ये काय काय वाटतं? आपल्या निवडणुकीला खूप वेळ आहे आणि असा कुठल्याही राज्याच्या निवडणुकीचा दुसऱ्या राज्यात परिणाम नसतो। त्या लाटान हवा येण्याचा काळ आता लोक गेला, लोक स्थानिकची परिस्थिती, स्थानिकचं नेतृत्व खाते दर्शन झालं, स्थानिकचं नेतृत्व आणि जे लोक खाली काम करतात, म्हणजे बऱ्यापैकी निवडणुका ह्या माणसाच्या वैयक्तिक कामावर होत असतात। आता कोण काय म्हणतं या असं असतं की म्हणतात की आता जसं फॉर एक्झाम्पल आम्हाला नाव ठेवतात की याच्यातला कोणीच सोडू येणार नाही। मला सांगा, बाळासाहेब ठाकरे जिवंत असताना 288 पैकी 100 जागापर्यंत पोहोचू शकले नाही। आज कुठलाही संबंध दिला, कुठलाही पक्ष, ना राष्ट्रवादी पोहोचू शकले, ना काँग्रेस पोहोचले, ना कोणते पक्ष म्हणून, याच्यामुळं जो उमेदवार असतो त्याची 50% ती पात्रता असते। जसं मी दरवेळेला कधी 35,000 कधी 40,000 कधी शहरामध्ये इतकी मतं, तसं प्रत्येक माणूस कॅपेबल असतो आणि मग त्याला पक्षाचं जोड असते। काही लोक पक्षाच्या विचारणे जातात, काही कामाच्या विचारणे जातात, काही विकासाने जातात, काही संबंधावर जातात, काही जातीपातीवर जातात, काही नातेगोत्यावर जातात। निवडणुकांमध्ये एका विचारावर कधी मतदान होत। और इसी के साथ ही महाराष्ट्र बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आरएन न्यूज़।